अरे एक में वो सेक्रेटरी गिर गए। अरे भिड़े क्या हुआ भाई? अरे 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 थैंक यू क्या हुआ भाई भिड़े? ऐसे खड़े खड़े तुम पत्तों के महल की तरह से ढह कैसे गए? मेरे को तो लगा तुम ऐसा करके कोई गेम खेल रहे हो। कौन सा गेम खेल रहे थे? अय्यर साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? वैसे भिड़े तू क्या खेल रहा था? मेरा मतलब है तू गिरा कैसे? ये रोटी की वजह से। अब पिडू यार तू भी कमाल करता है, लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, अपना पिडू रोटी की वजह से फिसल गया। भिड़े वैसे तू कैसे गिरा कैसे कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने जा रहा था तो अचानक मेरा ध्यान इस रोटी पे पड़ा और उस पर पाँव ना पड़े उसको संभालने के चक्कर में मैं ऐसे फिसल गया। करेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जो चीज ऐसा ऊपर उठेगा ना वो नीचे जाएगी। आत्माराम वैसे क्या है कि ये सोसाइटी के लोग कुछ समझते नहीं है, खाने पीने का चीज इधर उधर फेंक देते। बराबर है, गाय कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी यहाँ डाल देते। वे अगर खिलाना ही है तो सोसाइटी के बाहर जाकर खिला, ये कोई जगह है रोटी डालने की? करेक्ट पप्पू यार, ये भी कोई तरीका है। अरे वो देखो, अरे कौओ को खिलाने के लिए गाठिया वहां डाल दिया, तरीका है कोई? इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लोग, समझते ही नहीं है। ये देखो यार, ये देखो अभी ये बोर्ड के सामने ही कचरा डाला हुआ है, यहाँ वहाँ ऐसे पान की पिचकारी मारी हुई है। भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से पान की पिचकारी मारते हैं और कचरे को यहाँ वहाँ डाल देते हैं उनका सोसाइटी में आना ही कैंसिल कर देना चाहिए। किन्नू किन्नू कैंसिल करेगा पोपू? है दूध वाला, कोरियर वाला, केरी वाला, फूल वाला, और सब लोग यहाँ आते हैं यार। भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी भी तरह की गंदगी ना हो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे सेक्रेटरी हूँ मैं, वॉचमैन नहीं हूँ। और अगर इतने तुम्हें लगता है ना तो सोसाइटी के खर्चे से तुम्हें कुर्सी दे देता हूँ मैं, वहाँ जाकर बैठ जाओ और आते आते लोगों पर नजर रखो। आत्माराम ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, एक वॉचमैन रख दो वो ध्यान रखेगा। अय्यर साहब वॉचमैन रखने से कुछ नहीं होगा, और मेरे गैराज के सामने एक एटीएम है, वहाँ का सिक्योरिटी खाद पान खा के ना थूकता ही रहता, और चार पांच बारी तो मेरे हाथों से पिटा वो। अरे सोड़ी ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं होगा भाई, ये सब कॉमन सेंस की बात है, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे किसी को सिखाया नहीं जाता। देखो शिक्षक होकर कैसी बातें करता है बताओ। सिखाया नहीं जा सकता भाई, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और पप्पू तासर, हम लोग सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। कोई पान की पिचकारी मारेगा या कचरा फेंकेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। बबरलाल तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली, जो भी गंदगी करेगा उसको हम 100,000 रुपए फाइन मारेंगे। आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। और सब अपने अपने मुंह की बात करो ना, एक दूसरे की मुंह की बात क्यों छीनते हो, माल करते हो यार। अरे सोड़ी ये कहावत है। वैसे पोपटलाल तुम्हारा ये सीसीटीवी का आइडिया बहुत अच्छा है। ओह टीवी की बात निकली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नजर आ गए। और जेठा ब्रा आ गया, चलो सब कुलटे आना, चलो बात करते उनसे। चलो यार। चलो चलो। अरे भाई जेठालाल एक मिनट। क्या बात है, पूरी मंडली जमा है क्या? कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलाई सुबह सुबह? अरे नहीं भाई, जेठालाल तुमसे वो सीसीटीवी कैमरे के भाव पूछने थे। सीसीटीवी कैमरा किस लिए? सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए, और किस लिए? अच्छा सॉरी, मुझे लगा वो कैमरा से क्रिकेट खेलना होगा। अरे भाई एक कैमरा 40,000 का आता है, हमारे इधर 3 विंग है, 3 कैमरा लगाएंगे तो 1,20,000 का खर्चा होगा। अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी को गलत फहमी हो जाएगी कि हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं क्या है जेठालाल की, अगर कोई भी आते जाते यहाँ पे थूका या उसने कचरा किया तो अगर वो कैमरा होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, और उससे हम दंड वसूल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए 1.5 लाख का खर्चा करना है। अरे भाई जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। कुंकमा गाओ तो बचत यानी भविष्य की कमाई। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो क्या खर्चा करने की जरूरत है, उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है।
शॉर्ट में बोलू? हाँ प्लीज। तो बचत भविष्य की कमाई है। ओहो क्या बात है जेठालाल, तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हा? पहली बार नहीं भाई बापूजी। का ये बेटा हमेशा समझदारी की बात करता है। अरे लेकिन जेठालाल ये सब तो वन टाइम खर्चा है ना। वो वन टाइम खर्चा नहीं होता है भाई, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? अब ये तुम्हारी मुझको ले लो, तीन चार दिन में उसका काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। चलो मान लेते एक बार कि हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा बिठा देते हैं सब पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नजर कौन रखेगा भाई? मतलब रात को अगर कोई कैमरा चोरी करके लेके गया तो? ओए पप्पू अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरा सीसीटीवी का प्रोग्राम कैंसिल। सॉरी वैसे आइडिया भी थोड़ा गलत ही था, फालतू का खर्चा हो जाता ना।